नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये जो अनुभव है, यह एक व्यक्ति ने भेजा है जिन्होंने बताया है कि उनके पूर्वजों के समय में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसको खेत में चुड़ैल दिखाई दी थी और उस वक्त बहुत सारे चमत्कार भी घटित हुए थे। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं इनके अनुभव को और आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं इस कहानी को। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम सोहन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर का निवासी। गुरुजी, कभी कभी मैं आपके YouTube के वीडियो देखा करता हूँ, आप बहुत ही रहस्यमयी बातें बताते रहते हैं। तो मेरे मन में भी यह विचार आया कि मैं भी आपको ईमेल पत्र के माध्यम से एक ऐसी सच्चाई बताऊं जो हमारे यहाँ हमारे ही गांव में हमारे ही पूर्वज परिवार में कभी घटित हुई थी। गुरुजी, हमारा पुश्तैनी घर गांव में, हालांकि हम लोग शहर में वास करते हैं। ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ यह पूरी तरह से सत्य है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इससे पहले यह कहीं और प्रकाशित भी नहीं की गई है। गुरुजी, हमारा जो परिवार है उसे शहर में आए बहुत समय हो चुका है, लेकिन मैंने यह कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी। हमारे ही गांव में हमारा परिवार बहुत साल पहले रहता था। उस वक्त हमारे पास काफी जमीन थी और खेती हम लोग किया करते थे। जहाँ पर हम लोग खेती करते थे वह जगह बड़ी विशेष तरह की, थोड़ा वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज्यादा था। तो वहाँ पर ज्यादातर जब जमीन का बंटवारा हुआ था तो भाइयों के बीच में बंटवारे में छोटे भाई के हाथ में वो जमीन आई थी और फिर उस जगह की जमीन को सही करने के लिए, क्योंकि वो काफी उबड़ खाबड़ थी, उस जमाने में ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो सारा काम व्यक्तियों को स्वयं ही करना पड़ता था, जिसमें सबसे ज्यादा हल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता। बैलों के इस्तेमाल से उस जगह को बराबर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बार बार यह होता था कि वहाँ पर जाकर के बैल रुक जाते थे और फिर आगे नहीं बढ़ते थे। इस बात से परेशान हो जाने पर उनको बार बार बेतों से मारा जाता था, लेकिन वह बैल वहीं जाकर बैठ जाते थे। अब ये बहुत दिनों तक होता रहा, ये बड़ी ही अचरज भरी बात उस समय रही होगी। तो उन्होंने किसी पंडित को बुलाया और पंडित ने कहा, बैलों के बजाय आपको ही यहाँ पर खोदना होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई स्पेशल चीज स्थित हो जिसके विषय में हम लोग न जान पा रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही यहाँ पर खोदिए और हाँ, सबसे पहले गंगा जल अवश्य छिड़क दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई अपवित्र या बुरी चीज हो तो यहाँ से भाग जाए। पंडित जी की बात को सुनकर हमारे ही परिवार के उन पूर्वज रामदीन जी ने यह सोचा कि ठीक है, हम ही लोग कुछ और कारीगर मजदूरों को बुलाकर यहाँ पर खुदाई करते हैं और इस जगह को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग मिलकर उस जगह पर पहले गंगा जल का छिड़काव किया और फिर खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने उस जगह को बराबर करना शुरू कर दिया कि एक जगह रामदीन जी जब अपना फावड़ा चला रहे थे तो ऐसा लगा जैसे कि किसी पत्थर पर उन्होंने बड़ी जोर से फावड़ा मारा। दोबारा से कोशिश की तो वैसी ही आवाज को सुनकर बाकी लोग भी उनके नजदीक आ गए और फिर बड़ी आराम से उस जगह को खोदा गया। तो वहां पर एक काले रंग का पात्र मिला जो कि बड़ा ही अजीब सा, उसे कालिक से बड़ा पोता गया। बात कुछ समझ में नहीं आई तो उन्होंने उस पात्र को घर ले जाना ही उचित समझा। पात्र बड़ा विशालकाय और भारी था, रगड़कर साफ करने पर ही उसका रहस्य पता चल सकता था। तो घर ले आया गया, क्योंकि रामदीन जी की अभी तक विवाह नहीं हुई थी तो माता जी को उन्होंने उसे दे दिया। माता जी और उस वक्त बाकी लोगों का उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और जमीन जायदाद को लेकर बंटवारा हुआ था, लड़ाई हुई थी, इसलिए माँ उनकी आकर उनके लिए भोजन बना देती थी, लेकिन वह अपने घर के थोड़ी दूर पर खुद का घर बनाकर रहने लगे थे। माता जी ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस बर्तन को मैंने रगड़ रगड़ कर धोने की कोशिश की लेकिन रंग नहीं हट रहा, ऐसा लगता है जैसे कि इसे काले रंग से पोत दिया गया, बड़ी अजीब सी बात है। तब उन्होंने कहा, तुम ऐसा करना, शाम को हमारे यहाँ आकर खाना खा लेना और इस बर्तन को तुम अपने पास ही रख। तो रामदीन जी ने उस बर्तन को अपने ही नए बनाए गए घर में रख लिया। ये रात को खाना खाने के लिए गए लेकिन वहाँ कुछ फिर से आपसी बहस के कारण घर वालों से लड़ाई करके ये बिना खाना खाए ही वापस अपने घर में लौट आए। और जब उन्होंने इस बात को लेकर
बहुत ज्यादा परेशानी व्यक्त की तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका जीवन में कोई भी नहीं है। उन्होंने उस पात्र के पास पहुंचकर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि इस पात्र के अंदर कुछ जरूर है। उन्होंने अंदर झांक करके देखा तो वहां उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो उनकी समझ से परे था। तो उन्होंने थोड़े रखे हुए चावलों को लाकर अपने पास रख लिया और उन चावलों को उस बर्तन के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद बड़ा अजीब सा चमत्कार घटित हुआ और यह चमत्कार यह था कि उन्होंने जिन चावलों को उसके अंदर डाला था, थोड़ी देर बाद वहां से आवाज आने लगी और आवाज बड़ी ही विचित्र सी थी। ऐसा लगा जैसे कि चावल पक गए हो। चावल के पकने की आवाज उन्हें महसूस हुई, उसकी खुशबू भी आई। अब उन्होंने जाकर देखा तो सच में चावल पक गए थे। उन्होंने एक बर्तन में उन चावलों को बाहर निकाला, बड़ी ही अजीब और विस्तृत रूप से बड़ी मात्रा में उन्हें चावल देखने को मिल गए। अब समस्या यह थी कि चावल तो उनके पास थे लेकिन दाल नहीं, तो इसलिए उन्होंने एक प्रयोग और किया। उन्हें ऐसा लगा कि उनको दाल भी उसके अंदर डालनी चाहिए, तो उन्होंने दाल को सीधे सीधे बिना पानी के ही उस बर्तन के अंदर डाल दिया और कुछ ही क्षणों में बड़ी तेज खुशबू उन्हें फिर से आने लगी। उनकी दाल तैयार हो चुकी। उन्होंने उस बर्तन से फिर एक बार दाल को बाहर निकाला। अब उनके पास दाल और चावल दोनों ही मौजूद थे। अब एक परेशानी उनके मन में तब भी थी कि अगर यह दाल और चावल कुछ गड़बड़ हुए तो क्या होगा, क्योंकि बर्तन को तो ना साफ किया गया अंदर से ना बाहर से, ऊपर से ये काला बर्तन बड़ा ही विचित्र सा है, इसलिए कुछ समझ में उनकी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब यह जादुई बर्तन भोजन बना सकता है तो इसकी बनाई गई चीज अपवित्र कैसे हो सकती है। उन्होंने दाल और चावल को बड़े ही मजे लेकर खाया। इतना ज्यादा स्वादिष्ट दाल और चावल था जैसे कि किसी बेहतरीन रसोइये ने उसे बनाया हो। दाल में इतनी खुशबू, इतना स्वाद, चावल इतना ज्यादा स्वादिष्ट था जैसे कि बड़ा ही विचित्र तरीके से किसी राज रसोइये ने उसका निर्माण किया। उन्होंने सोचा ये जरूर कोई जादुई बर्तन है और फिर उन्होंने वो भोजन कर लिया। रात को सो गए तभी उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर पर किसी ने स्पर्श किया है। यह बात उनके समझ से परे था, लेकिन क्योंकि जैसी चीजें घटित होती हैं वैसा ही व्यक्ति अपना स्वभाव भी रखता है। उन्होंने इन बातों को ध्यान में न रहते हुए अपने दैनिक कार्य करने शुरू कर दिए। अब इधर माता सुबह सुबह भोजन लेकर उनके पास आई, तब गुस्से से रामदीन ने मना कर दिया और कहा कल तो लड़ाई करके ही मेरा पेट भर गया था, मुझे आपके दिए हुए भोजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप मुझे अब परेशान मत कीजिए, मैं अपना भोजन खुद बनाऊंगा। उनकी माताजी को इस प्रकार से बड़ी विचित्र बात लगी कि यह सब कुछ अजीब सी बातें हैं जो उनका लड़का कह रहा है, बिना भोजन के वह जीवित कैसे रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा बेटा कुछ तो खा लो, पर उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एक दिन परिवार में बड़ी जोर की लड़ाई हो रही थी और वह लड़ाई इस बात के लिए थी कि हर प्रकार से रामदीन को घर से बेदखल कर दिया जाए। तब रामदीन ने कहा ठीक है मैं जा रहा, और रामदीन के पास जितने भी रुपए पैसे सोना चांदी था वह छुपाने के लिए, क्योंकि बड़े भाई लोग उनकी सारी जमीन जायदाद रुपए पैसे सब ले रहे थे, तो उनके पास जितना भी सोना चांदी इत्यादि था उसे छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने उसी बर्तन के अंदर सब कुछ डाल दिया और जो भी हिस्सा था वह सब आपस में बांट लिया गया। इनके हाथ भी कुछ भी नहीं लगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले दिन कितना बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है। अगले दिन जब वह उठे और अपने उस बर्तन में जाकर अपने सोने चांदी को देखने के लिए गए तो वह पूरा बर्तन ही सोने और चांदी से भर गया। यह देखकर अब तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यह कैसे संभव हो सकता था। एक ही रात्रि में वह सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति उस गांव के बन गए थे। आगे क्या हुआ
जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर ये जानकारी और कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।